हाँ जी मेरी YouTube फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब? क्या है, होप मजे में होगे। अभी तक अगर आपने इन सारे ही डिवाइसेस की वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के बाद जरूर चेक करो। और अगर आप पहली बार आ रहे हो चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए iPad 9th जनरेशन की। हिंदी के अंदर एक भी वीडियो नहीं है iPad 9th जनरेशन की अनबॉक्सिंग वाली। पहली वीडियो है, इससे पहले iPad mini 6 की पहली हिंदी अनबॉक्सिंग जो है वो मैंने रिलीज की है। और उससे पहले जितने भी iPhones दिख रहे हैं यहाँ पे, पूरी जो iPhone 13 सीरीज है उसकी अनबॉक्सिंग है। तो सबके जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर चेक करो। और बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, सुबह से अभी रात के 9 बजने वाले हैं, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो जरूर देखो। और कमेंट करके मुझे बताना आपका फेवरेट डिवाइस कौन सा है और आपको कौन सा कलर पसंद आया है iPhones में से। और अब iPad 9th जनरेशन की बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं पैकेजिंग की बात करूं तो रेगुलर iPad का जैसे हमें पैकेजिंग मिलती है वैसी है। यहाँ पे iPhones की तरह रैप को नहीं हटाया गया, रैप जो है हमारे पास ही है। और यहाँ पे पुल टैब भी नहीं है, आपको कट ही करना पड़ेगा ओल्ड स्कूल अनबॉक्सिंग स्टाइल। तो निकालते हैं iPad 9th जनरेशन को बॉक्स से बाहर। रैप अब हमने निकाल दिया है। और अगर iPad के बॉक्स की बात करूं तो iPad की ब्रांडिंग दोनों ही साइड पे, बैक की अगर बात कर लें तो 64GB वर्जन है। अब जो बेस वेरिएंट है वो 64 हो गया है, पहले 32 आता था, तो ये एक बहुत अच्छी चीज की। और क्योंकि ये बेसिक iPad है, सबसे सस्ता iPad आपको यही मिलेगा एप्पल के लाइनअप में, 64GB वाला वर्जन मेरे पास है। इसके अलावा 256GB भी आता है। और अगर आप बैक में देखोगे तो iPad 9th जनरेशन वाईफाई मॉडल है, वाईफाई प्लस सेलुलर भी आप खरीद सकते हो अगर आप सिम यूज करना चाहते हो, बट मेरे लिए जो वाईफाई है वो परफेक्ट रहता है। क्या प्राइस है इस iPad का वो एंड में बताऊंगा, बट पहले बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं अपने iPad 9th जनरेशन को। तो तैयार हो, निकालें iPad को बाहर, 1 2 3 एंड दाडा। और यहाँ पे है हमारा iPad पेपर रैप के अंदर। तो iPad को साइड पे रख देते हैं, पहले बॉक्स का कंटेंट देख लेते हैं, बॉक्स में क्या क्या मिलता है इसको भी अभी रखते हैं। इसके नीचे होगा हमारा पावर अडैप्टर। तो यहाँ पे 20W का USB-C पावर अडैप्टर मिल रहा है, USB-C टू लाइटनिंग केबल भी हमें बॉक्स के अंदर ही मिल रही है, आप लोग देख सकते हो। और सबसे फनी चीज़ क्या है, ये जो iPad है ये सबसे सस्ता iPad है और इसके साथ आपको 20W का अडैप्टर भी मिल रहा है, केबल भी मिल रही है। और यहाँ पे ये जो फ़ोन है ये $1400 का फ़ोन है और इसके साथ आपको अडैप्टर नहीं मिलता, अलग से लेना पड़ता है, तो वियर्ड है जो भी है। और यहाँ पे पैकेजिंग भी जो है वो पुरानी है। तो चलो, एप्पल के फंडे हैं, हम क्या कर सकते हैं, अब पेपर वर्क देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो है प्रोडक्ट मैनुअल कि किस तरीके से सेटअप वगैरह करना, छोटा सा ही होता है बेसिकली, एप्पल का ज़्यादा कुछ ये देते नहीं है। उसके अलावा है यहाँ पे दो दो एप्पल के स्टिकर्स, ये बहुत पसंद आते हैं मुझे। अब बॉक्स का कंटेंट तो देख लिया, तो इसको अब साइड करते हैं। अब अपने iPad 9th जनरेशन के ऊपर से रैप निकालते हैं। जो पुराने टाइम वाला अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस था, पुराना मतलब कि 2-3 साल पुराना, वो मज़ेदार था जैसा अभी यहाँ पे है। निकालें अब रैप, 1 2 3। फील आती है यार जब आप किसी प्रोडक्ट को निकालते हो रैप से बाहर। और यहाँ पे है iPad 9th जनरेशन, एप्पल का लोगो, 8 मेगापिक्सल का कैमरा। फ्रंट में आ जाएं तो हमारा होम बटन, हम सब का प्यारा होम बटन टच आईडी के साथ, क्या बात है यार। और स्पेस ग्रे कलर में है मेरे पास, इसके अलावा सिल्वर कलर भी मिलता है, दो ही कलर ऑप्शन है यहाँ पे और दो ही स्टोरेज वेरियंट है, 64 एंड 256। अब अगर बात करें कि iPad में हमें क्या क्या मिलता है, तो लेफ्ट साइड में आपको स्मार्ट कनेक्टर दिख रहा होगा इस जगह पे, ये है जब आप स्मार्ट एक्सेसरीज के साथ यूज करना चाहते हो कीबोर्ड वगैरह के साथ, तो इसी की हेल्प से आप कर सकते हो। और iPad 9th जनरेशन जो है एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन को सपोर्ट करता है, सेकेंड को नहीं। टॉप में अगर देखें तो 3.5mm का हेडफोन जैक और दूसरी साइड पे है आपका पावर बटन, ऑन ऑफ बटन भी बोल सकते हो। राइट साइड में अगर आ जाएं तो राइट साइड में आपको वॉल्यूम कीज दिख रही हैं। और अगर आप सेलुलर मॉडल लोगे जहां पे आप सिम यूज करते हो, तो इस जगह पे आपका सिम ट्रे होगा, बट ये क्योंकि वाईफाई मॉडल है तो यहां पे वैसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप सेलुलर मॉडल लोगे तो यहां पे भी काफी सारी लाइंस वगैरह दिखेंगी जो कि इस मॉडल में नहीं है, जैसे मैंने कहा ये वाईफाई मॉडल है। और पीछे आपको iPad लिखा हुआ भी दिख जाएगा, ये काफी ज्यादा रिमाइंड कराता iPhones का, पहले iPhones में भी ऐसे लिखा रहता था, अब वो सारी चीजें जा चुकी हैं। बैक कैमरा की अगर हम लोग बात करें तो 8 मेगापिक्सल का F2.4 अपर्चर वाला कैमरा हमें बैक में मिलता है, वाइड एंगल लेंस है ये। और बॉटम में हमें स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं और मिलता है लाइटनिंग पोर्ट, और केबल जो है USB-C टू लाइटनिंग वो बॉक्स के अंदर ही मिल रही है। और ये काफी ज्यादा लाउड है अपने प्राइस के लिए, इसकी जो म्यूजिक परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी है। और स्क्रीन पे अगर अब हम लोग आ जाए तो ऑन भी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हमें 10.2 इंच की LCD स्क्रीन मिलती है, 500 nits की ब्राइटनेस हमें यहाँ पे मिल जाती है। और इस स्क्रीन के बारे में एक ही मेरी मतलब शिकायत है, वो ये कि ये लैमिनेटेड स्क्रीन नहीं है, तो
जो रियल स्क्रीन है और जो हमारा पैनल है उससे थोड़ा सा गैप है, वो आपको डेफिनेटली फील होता है जब आप इसको यूज करते हो बाकी आईफोन्स के साथ साथ ही। तो बट अगर आपका सिर्फ इकलौता आईपैड है तो आप इतना ज्यादा फील नहीं करोगे, बट अगर आप कोई और आईपैड चला रहे हो, आईपैड एयर, आईपैड प्रो, आईपैड मिनी 6, उसके बाद इस पे आओगे तो आपको स्क्रीन थोड़ी सी अटपटी लगेगी क्योंकि ये लैमिनेटेड स्क्रीन नहीं है। और यहाँ पे टैबलेट ऑन हो चुका है और होम स्क्रीन पे आ गए हैं आईपैड ओएस 15 की, और सेटअप भी कर लेते हैं। बट सेटअप से पहले आपको बता देता हूँ फ्रंट कैमरा के बारे में। फ्रंट में हमें 12 मेगापिक्सल वाला कैमरा मिल जाता है, अल्ट्रा वाइड लेंस हमें फ्रंट में मिलता है f2.4 वाला ही, और यहाँ पे सेंटर स्टेज फीचर मिला है जो कि इससे पहले हमें आईपैड प्रो रेंज में मिलता था, बट अब यहाँ पे भी है बेसिक आईपैड के अंदर। तो अगर आप वीडियो कॉल्स काफी ज्यादा करते हो तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। और अब सारी चीजों के बारे में बता दिया, फटाफट से इसको सेटअप करता हूँ। और आईपैड जो है 9 जनरेशन वाला वो हमने सेटअप कर लिया है, 10.2 इंचेस की स्क्रीन है यहाँ पे, और बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस रहता है। स्पेशली जो इसका प्राइस है उसमें ये बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस देता है, एंड्रॉइड का कोई भी टैबलेट इसके आसपास भी नहीं आ सकता, ये मैं गारंटी देता हूँ, शर्त लगा सकता हूँ आपसे। और अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो यहाँ पे A13 प्रोसेसर हमें मिलता है। और एक चीज टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे है होम बटन विद टच आईडी, तो आप एक बार इसको अनलॉक करते हैं फिर से, तो यहाँ पे क्या है जो ये वाला होम बटन है टच आईडी वाला, तो यहाँ पे आपको दबा के इस तरीके से होल्ड कर रखना पड़ता है तब जाके वो टच आईडी को डिटेक्ट करता है। बट अगर हम आईपैड मिनी की बात करें जहाँ पे हमें पावर बटन के अंदर ही टच आईडी मिलती है, वहां पे जैसे ही आप प्रेस करोगे अपने आप ही वो अनलॉक हो जाता है, बट यहाँ पे वो वाला मैकेनिज्म काम नहीं करता। एक बार अगर फिर से करके दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ नहीं काम करेगा, मुझे होल्ड कर रखना पड़ता है इस तरीके से। अब अनलॉक हो गया, दबाऊंगा तब चलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है इसके कंपैरिजन में, तो जो आईपैड मिनी 6 के अंदर हमें टच आईडी मिलती है वो ज़्यादा तेज़ है इस वाले टैबलेट से, और होगी भी, जिसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है इससे। और अभी तक फर्स्ट इंप्रेशंस की बात करूं तो बिल्कुल सेम है जैसा आईपैड 8th जनरेशन था या आईपैड 7th जनरेशन था। मेन जो डिफरेंसेस है वो इंटरनल है, यहाँ पे बाहर से आपको इतना ज्यादा कोई भी फर्क नहीं दिखने वाला, बेजल्स वगैरह सारी चीजें जो है वो बिल्कुल सेम है। और अब अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस इंडिया में स्टार्ट होता है 30,900 रुपए से, और अगर आप 256GB वर्जन लेते हो तो आपको पड़ेगा 44,900 का, और अगर आप वाईफाई प्लस सेलुलर लेते हो 64GB तो है 42,900 का, और अगर आप 256GB में वाईफाई प्लस सेलुलर लेना चाहते हो तो 56,900 का आपको पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही सही प्राइस है। बट आई थिंक 64GB जो है वो इनफ है। और यहाँ पे अगर मैं यूएस की बात करूँ तो यूएस में इसका स्टार्टिंग प्राइस है 429 प्लस टैक्सेस, और 479 यूएस डॉलर्स प्लस टैक्सेस है 256GB का प्राइस, और ये वाईफाई मॉडल्स की मैं बात कर रहा हूँ। और ये थी मेरी वीडियो आईपैड 9 जनरेशन की अनबॉक्सिंग के ऊपर, पहली हिंदी वीडियो है यूट्यूब के ऊपर जो आप अभी देख रहे हो आईपैड 9 जनरेशन की। और कैसी लगी ये वीडियो प्लीज मुझे बताओ कॉमेंट्स में, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और बाकी जितने भी डिवाइसेज हैं जो आज रिलीज हुए हैं, जहाँ पे 4 नए आईफोन्स हैं और एक है आईपैड मिनी 6, इनकी वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक, अभी जाके चेक करो। और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, 4 लाख होने ही वाले हैं, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अब इसी के साथ मैं भी सोने जाता हूँ, सुबह 9 बजे से काम कर रहा हूँ, रात के 9 बज चुके हैं। आई होप आप सबको ये जो वीडियो है पसंद आई होंगी, जितनी मेहनत लगी है वो काम आएगी। एंड इसी नोट के साथ वीडियो को खत्म करता हूँ, मिलूंगा आपसे कल नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।